देखिए झटपट रसमलाई बनाने के लिए घर में बस दो चीज़ चाहिए, दूध और ब्रेड। तो दूध, ये एक लीटर दूध है, इसको हमने कढ़ाई में लिया। अब इसको हम लोग गैस पे गर्म करने के लिए रख देंगे। तो देखिए दूध को हम लोगों ने गैस पे रख दिया है, अब इसमें इसको गर्म होने देंगे और एक उबाल इसमें आने देंगे। तो देखिए जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम लोग ब्रेड का चारों तरफ का कोना ऐसे करके निकाल लेंगे। ऐसे ही सारी ब्रेड का कोना हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे ही सारी ब्रेड का तो देखिए सारी ब्रेड का कॉर्नर हमने निकाल लिया है। अब ये जो बचा हुआ है इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, मिक्सर में डाल के ये हो जाएगा। और ये देखिए काजू और बादाम लिया, इसको हम लोग बारीक बारीक काट लेंगे। तो देखिए दूध में अच्छा सा गर्म हो गया है और बॉयल आ गया। अभी इसको हम लोग पकने ही देंगे, ऐसे खाली इसको ऐसे चलाते रहेंगे जैसे मलाई जो जमे कॉर्नर में उसको निकालते रहेंगे। अब इसमें आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन हम बिना कस्टर्ड पाउडर के बना रहे हैं। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा केसर डाल देंगे जैसे कलर अच्छा सा आ जाए, और इसको पकने देंगे ऐसे, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। तो इधर दूध पक रहा है, उधर चलिए हम लोग ब्रेड की जो हम लोगों ने काट के रखा था उसके गोले बनाते हैं। तो देखिए इसी स्टेज पे हम लोग दूध में शक्कर डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हम 4 चम्मच शक्कर डाल रहे हैं क्योंकि दूध जब गाढ़ा होगा तो भी अपना मीठापन छोड़ेगा। बस इतना ही डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहते हैं मीठा ज़्यादा तो 1-2 चम्मच शक्कर और डाल सकते हैं। अभी क्योंकि ये दूध गाढ़ा होगा और जमता जाएगा तो उसका भी एक मिठास होता है जो आता है, तो इसके लिए पहले शक्कर कम ही डालेंगे। अगर बाद में लगता है तो 1-2 चम्मच और डाल देंगे। अभी इसको ऐसे ही तेज फ्लेम पे ही पकने देंगे, बस चलाते रहेंगे जैसे कॉर्नर में ये लगे ना। तो देखिए एक कटोरी में हमने थोड़ा सा दूध लिया है, अब इसमें 1 चम्मच हम लोग शक्कर डाल देंगे, बस इतना ही, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दूध में शक्कर अच्छे से मिल गया है। अभी हम लोग एक ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और दूध में ऐसे भिगो लेंगे, हल्का सा ऐसे भिगो लेंगे और ऐसे दबा लेंगे। अब दबाने के बाद इसको आप देखिए एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको हम लोग बीच में थोड़ा ऐसे करके इसमें ये जो काजू हमने काट के रखा था इसे बीच में हल्का सा डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से दबा लेंगे। ऐसे करके और हल्का सा ऐसे ऐसे दबा देंगे। ये देखिए ऐसे ही सब बना के हम लोग ब्रेड का ले लेंगे। चीनी से क्या होगा, थोड़ा ब्रेड के अंदर भी अलग से मिठास आएगी, इसके लिए थोड़ा दूध में शक्कर डाल देने का। देखिए ये हो गया, इसको बीच में हम लोग ऐसे करेंगे, थोड़ा सा गड्ढा करके थोड़ा सा काजू डाल के, और मेवा आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसे करके देखिए आराम से ये बन जाता है, ऐसे गोल थोड़ा सा दबा के
ले लेंगे। ऐसे ही सारे ब्रेड को हम लोग तैयार कर लेंगे बना के। तो देखिए सारे ब्रेड की गोली हमने बना के ले ली है, फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे ही बना के इसको रख लेंगे। देखिए दूध जल के इतना हो गया है, आधे से कमी हो गया है। अब इसको थोड़ा हम लोग और पकाएंगे, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। और इसमें एक चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, एक अच्छी सी खुशबू आती है। और इसको थोड़ी देर और पकने देंगे, 5 मिनट और पकने देंगे। 5 मिनट में अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। कलर भी देखिए अच्छा है, अगर आपको कलर लाइट लगता है तो थोड़ा फूड कलर डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बस इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम लोग। और गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा नॉर्मल ठंडा होने देंगे। तो गैस बंद करके इसको नॉर्मल ठंडा कर लेंगे। तो देखिए एक प्लेट में हमने सारे ब्रेड के वो रख लिए गोले, और ये हमारी मलाई भी अच्छे से देखिए एकदम ठंडी होके गाढ़ी हो गई है। अब इसके ऊपर हम लोग इसको डाल देंगे। बस ऐसे आराम से इस पे सारी मलाई, डाल देंगे। ये देखिए सारी मलाई इस पे पड़ गई है। ऊपर से इस पे आप हम लोग थोड़ा बादाम डाल देंगे, हल्का सा डेकोरेशन के लिए। ऐसे बादाम डाल देंगे और छोटे छोटे ये गुलाब की पंखुड़ी ऐसे लगा देंगे सभी पे। तो देखिए बनके तैयार है हमारी रसमलाई, ब्रेड रसमलाई फटाफट बन जाती है। और देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट बनती है एकदम। देखिए अंदर से ऐसे डाल के थोड़ा, अभी वो थोड़ा रस में भीगेगी तो और अच्छी लगेगी। तो बस ऐसे बनाएं और उसको फ्रिज में रख के ठंडा होने दें, उसके बाद खाएं तो और टेस्टी लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आता तो एक बार घर पे ज़रूर बनाइए। और गर्मियों में कभी कभी क्या होता है, एकाएक मीठा खाने का मन होता है तो फटाफट ये बन जाती है। तो बनाइए ज़रूर और कमेंट कीजिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।